हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉट एंड कोल्ड एसी की वर्किंग के ऊपर। यानी कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक हॉट एंड कोल्ड एसी कैसे काम करता है, या फिर जो रिमोट के अंदर बटन्स होते हैं वो हीट मोड के ऊपर कैसे काम करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से फीचर्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बात शुरू करते हैं हॉट एंड कोल्ड एसी की वर्किंग से। तो आप सब जानते हो हमारे पास ये हॉट एंड कोल्ड एसी है, रिसेंटली हमने यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि हॉट एंड कोल्ड एसी और एक नॉर्मल एसी में फर्क क्या होता है। तो फर्क सिर्फ वही है जो इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि नाम से पता लग रहा है। हॉट एयर भी ये दे सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि एक एसी सिर्फ ठंडी हवा ही देता है, लेकिन एक हॉट एंड कोल्ड एसी से आप गर्म हवा भी ले सकते हो। इसीलिए इन एसीज को ऑल वेदर एसीज भी बोला जाता है। यानी कि सर्दियों में अगर आपको गर्म हवा चाहिए तो आपको एक हॉट एंड कोल्ड एसी प्रोवाइड कर सकता है। आपको हीटर की कोई जरूरत नहीं है उस रूम के अंदर जहां पर आपने एक हॉट एंड कोल्ड एसी लगवा रखा है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये कूलिंग ओनली एसी और इसमें फर्क क्या होता है, ये कैसे दे पाता है हॉट एयर। तो एक बात को आप समझिए, अगर आपके पास कोई नॉर्मल एसी है तो उसकी जो रेफ्रिजरेंट है वो इस तरह से चलती है कि कंप्रेसर में से जब रेफ्रिजरेंट निकलता है, यानी कि गैस निकलती है, तो वो आउटडोर के अंदर जो कॉपर की कॉइल होती है या किसी भी मेटल की हो सकती है वो गर्म हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। आपने देखा होगा जो उसका आउटडोर यूनिट होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, और जो हमारा इंडोर यूनिट होता है वो ठंडा होता है। इसीलिए एक नॉर्मल एसी रूम के अंदर ठंडी हवा देता है, लेकिन एक हॉट एंड कोल्ड एसी के अंदर एक ऐसा पार्ट लगाया जाता है जिसको रिवर्सिंग वॉल्व कहते हैं। वो रिवर्सिंग वॉल्व रेफ्रिजरेंट के फ्लो को अपोजिट कर देता है, यानी कि रिवर्स कर देता है, गैस के फ्लो को रिवर्स कर देता है। अब क्या होता है कि जो आउटडोर यूनिट होता है वो ठंडा होने लगता है और जो इंडोर यूनिट होता है वो गर्म होने लगता है। यानी कि इनकी कॉइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो गर्म होने लगती है। अब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसके अंदर जो कॉपर की कॉइल है वो ठंडी होगी तो यहाँ से पंखा ठंडी हवा देगा, अगर गर्म होगी तो वो गर्म हवा देगा, जैसे कि अभी हम एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस है। अब इसको हीट मोड के ऊपर डाला कैसे जाता है? ऐसा नहीं है कि आप अपने नॉर्मल एसी को टेम्परेचर बढ़ाकर 30 पर सेट कर लोगे तो वो आपको गर्म हवा देने लगेगा। अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें उस सवाल का आंसर मैंने दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको सच में गर्म हवा चाहिए अपने एसी से तो आपको एक हॉट एंड कोल्ड एसी लेना पड़ता है, और उस एसी के अंदर जैसे कि हमारे किसी भी एसी में एक ऑटो मोड होता है, कूल मोड होता है, ड्राई मोड होता है, फैन मोड होता है, वैसे ही एक और मोड होता है हीट मोड या फिर हॉट मोड, जो भी ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है नाम। तो जैसे कि ये एसी है पैनासोनिक का, तो इसमें हमें हीट मोड मिल जाता है। तो हीट मोड पे जब आप शिफ्ट करते हो एसी को तभी आपको एसी से गर्म हवा मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है किसी भी मोड के ऊपर। अगर आपको गर्म हवा चाहिए तो आपको इसको हीट मोड के ऊपर डालना पड़ेगा। जैसे ही आप एसी को हीट मोड के ऊपर शिफ्ट करते हो तभी रिवर्सिंग वॉल्व जो अपना काम स्टार्ट करता है और गैस के फ्लो को रिवर्स कर देता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हॉट एंड कोल्ड एसी इन्वर्टर टाइप में भी आता है और नॉन इन्वर्टर टाइप में भी आता है। तो हमारे पास जो है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का हॉट एंड कोल्ड एसी है जिसको हम हीट मोड के ऊपर अभी चला रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे एक इन्वर्टर एसी कूल मोड के ऊपर काम करता है, यानी कि जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे कंप्रेसर लोड लेना शुरू करता है और फिर अपने पीक के ऊपर जाता है, और उसके बाद डिजायर टेम्परेचर जब सेट हो जाता है या फिर मेंटेन हो जाता है रूम के अंदर, उसके बाद कंप्रेसर अपना एक लिमिट कर लेता है स्पीड को रूम के अंदर टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, वही सेम चीज हीट मोड के ऊपर भी एक इन्वर्टर एसी फॉलो करता है। जैसे मान लो हमने इसको 30 पे चला रखा है तो पहले क्या होगा कि एसी चलेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे लोड बढ़ाएगा, और जब इस रूम के अंदर 30 डिग्री मेंटेन हो जाएगा उसके बाद कंप्रेसर अपनी स्पीड को एक जगह पर लिमिट कर लेगा इस रूम के अंदर 30 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो यानी कि वेरिएबल स्पीड्स का जो कंप्रेसर है वो वैसे ही काम करता है हॉट एंड कोल्ड एसी में भी जैसे एक नॉर्मल एसी में करता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि हॉट एंड कोल्ड एसी हीट मोड के ऊपर एक नॉन इन्वर्टर एसी की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आपने मान लो 26 पर इसको सेट कर लिया या फिर मैंने मान लो 30 पे किया हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी देर चलने के बाद जब इस एसी को ये लगेगा कि इस रूम के अंदर ओवर हीटिंग हो रही है,
तो ये अपने आप को बंद कर लेता है, यानी कि इसका जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है। और किसी भी कंडीशन में जब इसका आउटडोर यूनिट बंद हो जाता है, हीट मोड के ऊपर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कूल मोड की बात नहीं कर रहा हूँ, हीट मोड के ऊपर जब इसका कंप्रेसर या फिर आउटडोर यूनिट बंद हो जाता है तो उसी टाइम इसका इंडोर यूनिट भी काम करना बंद कर देता है। यानी कि जो ब्लोअर अंदर चल रहा है अभी हॉट एयर दे रहा है, तब इसकी हॉट एयर भी बंद हो जाती है। हाँ, ये स्विंग फ्लैप जरूर चलता रहता है, डिस्प्ले जरूर चलती रहती है, लेकिन अंदर से हवा आनी बंद हो जाती है। और जैसे ही एसी के सेंसर सेंस करते हैं कि रूम के अंदर दोबारा से हीटिंग की जरूरत है, तो एसी दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाता है और हीटिंग प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। एक और बात है यहाँ पर, जो मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट में भी पूछी और इंस्टा पर भी डीएम आया, उसको भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि हॉट एंड कोल्ड एसी में कभी कभी आपको ये फील हो सकता है कि आपको कूल एयर आ रही है। सो बेसिकली वो कूल एयर नहीं होती है, कई बार क्या होता है कि ब्लोअर जो है वो कुछ टाइम के लिए चलता रहता है तो वो नॉर्मल एयर थ्रो करने लगता है, जिसकी अभी मैंने पहले बात करी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ठंडी हवा देने लग गया आपको, वो सिर्फ नॉर्मल एयर होती है और वो भी बहुत ही कम चांस होता है ऐसा हो। अदरवाइज तो जो इंडोर है इसका मैं देख पा रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली बंद हो जाता है, ना इसमें से नॉर्मल एयर आती है ना फिर हॉट एयर आती है। तो अगर आपको कभी कभी नॉर्मल एयर फील हो तो वो एक नॉर्मल ऑपरेशन है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम बात करेंगे कि रिमोट पे जो फीचर्स हैं या जो बटन्स हैं उनमें से हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सों को नहीं कर सकते हीट मोड के ऊपर, तो अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊँ, रिमोट के ऊपर जो टाइमर के बटन होते हैं जिससे हम स्लीप मोड सेट करते हैं या फिर ऑन ऑफ का टाइमर सेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जैसे आप नॉर्मल कूल मोड के ऊपर करते हैं, हीट मोड के ऊपर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हम नहीं कर सकते मोड के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये एक इन्वर्टर एसी है और ये कन्वर्टी 7 वाला एसी है, यानी कि 7-in-1 कन्वर्टेबल एसी है जिसकी कूलिंग को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप हॉट मोड के ऊपर कन्वर्टेबल कूलिंग यूज करना चाहते हो तो इस एसी में वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कन्वर्टी 7 का जो इस रिमोट के ऊपर बटन है वो कुछ काम ही नहीं करता है। तो जिसका सीधा मतलब ये है कि आप हीट मोड के ऊपर कन्वर्टेबल कूलिंग का आनंद नहीं उठा सकते। अब बात नंबर आती है 2, और वो है पावरफुल बटन को लेकर। एक बटन इसके ऊपर आपको मिलेगा पावरफुल का, जिसको आप टर्बो भी कह सकते हो, लेकिन जब आप पावरफुल का बटन प्रेस करते हो तो यहां पर एक्स्ट्रा कूलिंग या एक्स्ट्रा हीटिंग आपको नहीं मिलती है, सिर्फ क्या होता है फैन की स्पीड फुल हो जाती है। बेसिकली टर्बो होता क्या है ये हम सब जानते हैं, जब हम टर्बो का या फिर पावर चिल का बटन या फिर पावरफुल का बटन प्रेस करते हैं तो एसी अपनी पूरी क्षमता से कूलिंग करने लगता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जो भी उसके अंदर टाइम पीरियड सेट किया जाता है। लेकिन इस एसी में मैंने ऐसा नहीं देखा, जब मैं इसको हीट मोड के ऊपर पावरफुल बटन प्रेस करके टेस्ट कर रहा था तो हाँ यहाँ पर एक आइकन तो जरूर आता है बना हुआ पावरफुल का, लेकिन उससे हीटिंग और कूलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसकी फैन स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही पावरफुल वाला बटन हम दोबारा से प्रेस करते हैं तो वो मोड बंद हो जाता है और यहां से आइकन भी गायब हो जाता है। अब यहां पर आइकन की बात हो ही रही है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मिसिंग है जो मेरे हिसाब से एसी में होनी चाहिए। बेसिकली अब यहां पर आप जैसे मान लो ये 30°C आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पर हमें ये पता नहीं लग रहा है देखकर इस एसी को कि क्या ये हीट मोड के ऊपर है या फिर कूल मोड के ऊपर है। क्योंकि आपको ठीक है गर्म हवा आ रही है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई चलो हीट मोड के ऊपर चल रहा है या फिर रिमोट से आप अंदाजा लगा लोगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिमोट आपने कहीं पर रख दिया है या फिर एसी की रेंज से दूर है रिमोट, बच्चों ने छेड़खानी कर दी और उसका मोड आपको रिमोट के ऊपर हो सकता है ड्राई मोड दिख रहा हो, कूल मोड दिख रहा हो या फिर कोई भी और मोड दिख रहा हो, लेकिन एसी हीट मोड के ऊपर ही चल रहा हो, बट यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं है। इंडिकेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से एसी के अंदर जैसे ही हम हीट मोड के ऊपर एसी को चलाएं, क्योंकि ये एक बड़ा मोड है, हीट मोड एक अलग से मोड है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें मतलब यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हीट मोड एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जबकि हॉट एंड कोल्ड एसी की बात हो रही है, तो हीट मोड का कोई ना कोई इंडिकेशन कंपनी को ज़रूर देना चाहिए था। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक कमी मुझे फील हुई। तो एक हॉट एंड कोल्ड एसी के बारे में मैंने आज इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें सुनी समझी। अगर आपको एक हॉट एंड कोल्ड एसी लेना है तो आप पहले इस चीज़ को देखें समझें उसके बाद ही खरीदें। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली हैं तो अब आपके क्या व्यूज़ हैं आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब
अगली वीडियो आपको मिलेगी इसकी टेस्टिंग के ऊपर, जिसमें हम टेस्ट करेंगे कि ये एसी कितनी बिजली खाता है, यानी कि कितने घंटे में कितनी बिजली खाता है, किस हिसाब से चलता है। तो ये प्रैक्टिकल लाइव टेस्टिंग आपको मिलने वाली है। अगली वीडियो जो भी इस एसी की आएगी आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर मिलने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।